जयपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी की लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक है। पुराने आंकड़ों की बैठक में समीक्षा की गई है और पिछले दो लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर बातचीत हुई है, ये जानकारी हमें मिली है। अब क्लस्टर बनाकर लगाए जाएंगे प्रभारी, आज ही क्लस्टर प्रभारियों की हो सकती है घोषणा। ओम माथुर ने बैठक में छत्तीसगढ़ के संस्मरण सामने रखे हैं। ओम माथुर को क्योंकि छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया था और वहां पर उम्मीद से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन बीजेपी ने किया, उसी का ही संस्मरण सामने ओम माथुर ने इस बैठक में रखा है। हालांकि बैठक से जब वो बाहर आए थे, ज्यादा कुछ उनकी तरफ से नहीं कहा गया। इतना जरूर कहा गया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चर्चा हुई है कि क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, कैसे हम तैयारियों को धरातल पर उतारें, कैसे क्या रणनीति रहनी है। ये भीतर की जो तस्वीरें सामने आई थी, एक एक तस्वीर आपको हमने दिखाई थी। अब क्लस्टर बनाकर प्रभारी लगाए जाएंगे, हालांकि कैटेगराइज अब किया जाएगा ए बी सी डी, जिस तरीके से आपने विधानसभा चुनाव में देखा था। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि क्या उसी तरीके से स्ट्रैटेजी भाजपा बना रही है, क्या सबसे पहले जो कमजोर सीटें हैं उनकी ही घोषणा पार्टी करेगी, वहीं पर सबसे पहले प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जाएगा। लेकिन उससे पहले समीक्षा की जा रही है पुराने आंकड़ों की कि आखिर पिछली बार जो आंकड़ा रहा था, कहां पर कितने मार्जिन से हम जीते थे, कहां पर कोई परेशानी नहीं आई थी। फिर सेकंड नंबर पर ऐसी सीटों की समीक्षा की जा रही है कि क्या वाकई में कुछ सीटों पर चुनौती है, और अगर चुनौती है तो वो कितनी बड़ी चुनौती है और उसको किस तरीके से उसका सामना किया जाएगा, चुनौतियों की भरपाई कैसे होगी। हालांकि एक तरफ विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ को रवाना किया गया है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिविर लगाए जा रहे हैं, केंद्र की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए फीडबैक भी लिया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ क्लस्टर वाइज इसे बांटा जाएगा, क्लस्टर वाइज प्रभारी बनाए जाएंगे, जिम्मेदारी दी जाएगी और क्षेत्र में फिर प्रभारी पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश जी, अभी तक इस बैठक की बात करें, क्या महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आई है? योगेश जी, आवाज मिल पा रही है क्या? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। योगेश जी, बताइएगा इस बैठक में अभी तक भीतर से क्या जानकारी हमारे पास है, क्या पता चल पाया है, कितनी चर्चा अभी हो चुकी है और बैठक ये कब तक होनी है? देखिए, बैठक थोड़ी देर में ही समाप्त होने वाली है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनमें यही है कि लोकसभा वार की पहली बैठक रही जिसका आज विधिवत आगाज हुआ। तमाम जो पुराने आंकड़े हैं उन पर फोकस किया गया, किस तरह से उन आंकड़ों को मंथन और चिंतन होगा। हाँ, बीजेपी जिन सीटों पर एवरेज है, जिन सीटों पर मजबूत है, जिन सीटों पर चुनौतीपूर्ण मामला है, उनकी कैटेगरी को तय किया गया जी। जल्द ही लोकसभा वार क्लस्टर बनेंगे, उन क्लस्टर पर दो या तीन लोकसभा वार जो क्लस्टर बनेंगे वहां पर प्रमुख नेताओं को प्रभारी बनाकर जिम्मेदारी दी जाएगी। वो वहां जाएंगे और जमीनी हकीकत जांचने का काम करेंगे। प्रत्येक लोकसभा सांसद का फीडबैक लेने का काम भी होगा, उसकी परफॉर्मेंस को जांचने का काम भी होगा, उसकी भी एक अलग से पड़ताल, एक रिपोर्ट होगी, वो तैयार करके और बीजेपी के आला कमान को भेजी जाएगी। और साथ ही अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो कार्यक्रम होने वाले हैं, उन तमाम कार्यक्रमों की फहरिस्त बनके और प्रत्येक घर घर, प्रत्येक बूथ तक जी एक राम मंदिर राममय वातावरण बनाने की तैयारी की जाएगी। प्रत्येक बूथ तक नव मतदाता संपर्क अभियान भी चलाया जाएगा, नव मतदाताओं को बीजेपी से जोड़ने का काम किया जाएगा, जिससे बूथों पर सशक्त रूप से टीम खड़ी की जाए। वरना प्रमुख और ये तमाम जो बीजेपी का कंसेप्ट है जो काफी समय से चला आ रहा है, इसको और मजबूती देने का काम किया जाएगा जी। और इसी तरह से ये भी देखा गया है कि तमाम जो पुराने आंकड़े हैं उन आंकड़ों में कहां भारतीय जनता पार्टी लीडरशिप को सुधार करने की जरूरत है, उस अनुराग से एक रणनीतिक तौर पर काम किया जाएगा। इस बैठक की सबसे बड़ी खास बात ये है कि सेकंड और थर्ड लाइन के उन नेताओं को यहाँ पर बुलाया गया है जो इससे पहले कभी बड़ी बैठकों में शायद वो शामिल नहीं होते थे या उनको वो तरजीह या जगह नहीं मिल पाती थी, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी बैठक में
उन्हें बुलाया गया है, एक मैसेज देने का काम भारतीय जनता पार्टी लीडरशिप, बिल्कुल एकजुटता का मैसेज भी दिया जा रहा है। लेकिन योगेश, जब बैठक खत्म हो जाएगी एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, जानकारी भी आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए।